लोकसभा चूंटणी 2024 ने લઈને હાલ અત્યારે આપણે સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીના રિવર ફ્રન્ટ પર પહોંચ્યા છીએ। અહીં આપણી સાથે કેટલાક સજ્જનો ઉપસ્થિત છે, આપણે એમની પાસેથી જાણીએ કે અહીંનો કઈ રીતનો ચૂંટણીનો પૂરેપૂરો માહોલ છે, શું વિચારે છે ચૂંટણીને લઈને પબ્લિક। આપણે સૌથી પહેલા આપકે પાસ મેં જાણના ચાહતા હું કે કિસ તરહ કા પૂરા માહોલ દિખ રહા હૈ ઇસ સમય સંઘ પ્રદેશ કો લેકર કે ઓર क्या जो चुनावी मुद्दे हैं उसको आप ध्यान में रख के वोट करोगे? माहौल तो बहुत अच्छा है, गर्मा गर्मी चल रही है। हमको क्या है, कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए और रोड वाइज विकास चाहिए, बस ये इसी मुद्दे पे हम वोटिंग करेंगे। तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर सुरक्षा होगी तो लोग खुशी से अपना जीवन बसर कर पाएंगे, साथ ही चिकित्सा सुविधा और साथ ही जो रोड पानी जैसी बेसिक सुविधा है उसको हर कोई चाहता है। आपके हिसाब से क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट चुनकर आएगी, चाहे बीजेपी आए, नरेंद्र मोदी रिपीट हो या कोई और सरकार आए, लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, लोगों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि एक तो एजुकेशन का मुद्दा जो भी है, और मेडिकल ग्राउंड पे सब फैसिलिटीज़ मिले, जो भी है ओल्ड पर्सन को या बूढ़े जो बुजुर्ग पर्सन हो, ओल्ड पर्सन है जिनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिल, उनको पूरा सरकार उस पर ध्यान दे। और जैसे अभी आप देख रहे हो कि पूरे देश भर में जिस तरह का पूरा माहौल है चुनाव को लेकर के, आप देख रहे हो, आप यहाँ से और भी सिटियों में और भी जगहों पर जाते भी होंगे, घूमने भी जाते होंगे, काम से भी जाते होंगे, तो पूरा जो आप जिस तरह का विकास की जो आपकी अपेक्षा है, उस विकास की अपेक्षा के ऊपर पिछली जो सरकार है वो खरी उतरी है, या फिर और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की आपको लगता है कि ज़रूरत है, क्या लगता है? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे हिसाब से जो अभी पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है वो बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत ही, और मैं चाह रहा हूँ इस तरह से और ये विकास की गति बनी रहे और अच्छा, मतलब डेवलपमेंट अच्छा हुआ है ओवरऑल। लोगों का विकास के प्रति सबसे ज़्यादा फोकस है, लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से, जिस गति से, जिस तेज़ी से विकास हो रहा है उसी तरह से आगे भी होना चाहिए, तभी इंडिया नंबर वन बन पाएगा। हमारे साथ एक और सज्जन है, हम उनसे भी बात करेंगे। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का कानून व्यवस्था, किस तरह की सुविधाएँ होनी चाहिए देश के अंदर और लोगों को किस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए? अभी जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। पिछले 10 साल में लोगों ने जो भी विकास देखा है, जो 60 साल में नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ है, वो 10 साल में हुआ है। और मोदी सरकार आएगी, ज़रूर आएगी और आना भी चाहिए, उसके बिना दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मान लीजिए कि अभी कल राहुल गांधी भी यहाँ पर दौरा करके गए दमन में, प्रियंका गांधी भी आकर गई, कितना इफेक्ट करेगा इस चुनाव के माहौल के अंदर इन तरह के जो स्टार प्रचारक है विपक्ष के जो कहते हैं, उसका कितना असर दिखेगा? कोई असर तो होने वाला नहीं है ज़्यादा करके, क्योंकि ये लोगों के पास, विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जो मोदी जी है, मोदी जी के अलावा दूसरा कोई नहीं कर पाता है, कर पाएगा। बीजेपी में तो है मोदी जी के, और बाद में तो और भी लोग हैं, लेकिन ये कांग्रेस वाले के पास कोई ये नहीं है। क्या लोगों को अभी विपक्ष के ऊपर किसी तरह का कैंडिडेट नहीं है, किस तरह से लोग भरोसा कर सकते हैं ये सोच रहे हैं कि कोई फेस नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के लायक कोई उम्मीदवार नहीं है। आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से, जिस तेज़ी से देश और विदेश के अंदर आज जो पिछले 10 साल के अंदर जो सरकार ने काम किया है, जो भारत देश की जो आज नामना विदेशों के अंदर भी है, क्या मानते हैं किस तरह का और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर होना चाहिए? क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है या जो भी डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, उसके अंदर सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है। नहीं, मतलब ये अभी जो सरकार की जो पॉलिसीज़ है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ कमी नज़र नहीं आती हमको, और सरकार अपने हिसाब से पूरा
पूरा फोकस है और अपने जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए, जो जनभावना के लिए, जनहित के लिए जो भी काम होने चाहिए, सरकार अपने बेखूबी से कर रही है और हमें पूरा भरोसा है मौजूदा सरकार पे। तो देख रहे हैं कि लोगों को भरोसा बैठ रहा है मौजूदा सरकार पे। हमारे साथ महिला भी है, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उनके प्रति जो सरकार की जो काम है उनको कितना इनसे फ़ायदा हुआ है और वो क्या और ज़्यादा फायदा चाहते हैं। आपने देखा होगा मौजूदा सरकार 10 साल से काम कर रही है, महिलाओं के लिए सरकार ने क्या ऐसा काम किया है जो आपको पसंद आया हो और क्या आप चाहते हैं और ज़्यादा काम हो? पहली बात तो ये कि जो ये आरक्षण का किया वो सरकार ने अच्छा किया है और महिलाओं को अभी कहीं जाना रहता है तो उनको एक डर नहीं रहता है, जो पहले उनमें एक डर रहता था। अभी सुरक्षा की उतनी ये की गई है फैसिलिटीज़ और कुछ मेटल्स में उनको सुधार भी करना चाहिए। तो जो सरकार सब सुधार करेंगी महिलाओं के लिए, एजुकेशन में कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए। तो बस जनता तो वैसी ही सरकार चाहती है कि जो उनके सब वादों पे खरी उतरे। ओके, थैंक यू। तो सरकार की जो अपेक्षाएं है, सरकार के प्रति जो लोगों की अपेक्षाएं है वो ऐसी है कि जो वादे करते हैं वो पूरे होने चाहिए। और हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर जो गार्डन के अंदर अभी वॉक करने आते हैं और वॉक करते समय यहाँ पर इतना सुंदर गार्डन बना है कि लोगों का जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है। हम एक और सज्जन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। और आप यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आए हैं, शायद मेरे ख्याल से कुछ ही समय पहले ये गार्डन डेवलप हुआ है, और कैसा लगता है इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है कितना फ़ायदा रहता है और कैसा लगता है? तो मन प्रफुल्लित हो जाता है सर इससे, और क्या है, जहाँ टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जैसे रहता है वैसे हमारे शहर में ये सब उपलब्ध है तो उसमें बहुत आनंद मिलता है और ऐसा नसीब वाले लोगों को ही मिलता है इतना अच्छा सुविधा। एक सौंदर्य है, एक कुदरती माहौल है, एक यहाँ पर शाम के वक्त वक्त गुजारना लोग चाहते हैं। जो सरकार ने इस इलाके को लेकर के जो कार्य किए हैं, जो भी मौजूदा सांसद रहा हो, जो भी सरकार रही हो, लोकल बॉडीज रही हो, तो आप कितने संतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं कि और क्या होना चाहिए? बहुत ही संतुष्टि सर यहाँ पे, हम महाराष्ट्र से आए यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ के खुद का घर वगैरह भी हो गया है तो हम उनसे बहुत संतुष्ट है कि यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ सुविधा करके रखा है और वापी के कंपेयर में सेलवास बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन कम है, ग्रीनरी अच्छी है और सोशल यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छा है, सुरक्षा है सबको। लोग सुरक्षा का एहसास यहाँ पर उनको महसूस हो रहा है, ग्रीनरी है, लोगों को यहाँ पर सुखाकारी नज़र आती है और ये जो पूरा एरिया यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उससे लोगों को संतुष्टि है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा काम हो ऐसा लोग चाहते हैं। तो ये यहाँ पर जो संघ प्रदेश है जहाँ पर करीबन 2 लाख वोटर्स है जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, यहाँ पर जो ट्रेंड रहता है वो 75% लोग वोटिंग करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हार जीत का जो मार्जिन है वो बहुत ही कम रहता है। इसलिए यहाँ पर लोगों से भी अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और अपने पसंद का जो भी प्रतिनिधि है उसे चुनने का जो अपना अधिकार है उसका प्रयोग करें। कैमरामैन रवि वेंडे के साथ मैं जयेश सोनी, इंडिया न्यूज़, सिलवासा।